हेलो, माय नेम इज़ पूर्णिमा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वर्लमेंट आर्ट एंड फैशन। आज मैं आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे। कपड़े को हमें सीधे में चार बार फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम कोने से कोने मिलाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें चार बार फोल्ड करना है। खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बन वाली साइड उस तरफ है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 38 है, तो हम बेल्ट के लिए 6 इंचेस माइनस करके हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 7 इंचेस पर एक मार्क करना है और 1.5 इंचेस की मार्जिन, और यहाँ से 1 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से कपड़ा जो हमारा कम ज़्यादा है उसे हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 10.5 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच अंदर तक जाकर हमें इस निशान को बॉटम तक जॉइंट कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट तैयार होंगे। अब हम बचे हुए कपड़े से बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 इंचेस पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से 9 इंचेस पर। तैयार बेल्ट हमें 6 इंचेस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 9 इंचेस पर मार्क किया है। अब हमें यहाँ से कमर का दूसरा पार्ट मार्क करना है और यहाँ से 1/2 इंच की मार्जिन और यहाँ पर 9 इंचेस की लेंथ। इस तरह से हमें सारे निशान जॉइंट कर लेने हैं। हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हुई। कटिंग पूरी होने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेल्ट का पार्ट लिया है, इसे मैंने खोलकर इस तरह से रखा है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ से 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से 2 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें बीच में सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ से डोरी
के लिए ओपनिंग तैयार होगी। उसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करके रखेंगे। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर कॉर्नर से एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ से एकदम कॉर्नर कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसे इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे बेल्ट में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फोल्ड करके हम कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट बनकर तैयार है। यहाँ से डोरी के लिए ओपनिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट को बराबर से रखना है और यहाँ पर पीछे पर एक कट लगा लेना है। इसी तरह हमें साइड में भी कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से बैक को और फ्रंट को अच्छे से मिलाकर यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने सलवार का एक पार्ट लिया है। दूसरे पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अब हम इसके बॉटम पर हमें कैनवास चिपकाना है। तो सबसे पहले हमें सलवार को उल्टी तरफ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से एक इंच चौड़ा कैनवास लेना है और इसे यहाँ पर बॉटम पर प्रेस की मदद से चिपका लेना है। आधा इंच छोड़कर हमें कैनवास को चिपका लेना है। इस तरह से मैंने कैनवास को चिपका लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और जो बचा हुआ कैनवास है उसे हम कट कर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से कॉर्नर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम यहाँ से सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट में कैनवास ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो हमें एक दूसरे के आमने सामने इसे इस तरह से रखना है और यहाँ से सीधी सिलाई आधा इंच की हिसाब से हमें लगा लेनी है। और यहाँ पर भी हमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। अब हमें यहाँ से बॉटम से सीधी सिलाई लगाकर सलवार को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सलवार को ज्वाइन कर लिया है। हम यहाँ से बराबर से कट्स लगा लेंगे। इस तरफ भी हमें इस तरह से साइड में कट लगा लेने हैं। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सामने वाला पार्ट है उसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स लगा लेने हैं। सारे प्लेट्स हमें सामने की तरफ लगा लेनी है। इसके बाद हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ से पिनअप कर लेना है।
उसके बाद हम बैक में भी उसी तरह से प्लेट्स लगाएंगे। तो एक प्लेट इस तरह से लगाएंगे और दूसरी प्लेट को हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर भी पिन लगाकर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ साइड में प्लेट्स लगा लेने हैं। सारे प्लेट्स हमें सामने की तरफ लगाने हैं। और इस तरह से हम पिनअप करते जाएंगे। और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे सलवार में प्लेट्स लगा लेने हैं और यहाँ से अंदर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी सलवार बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।